हिंदू मुसलमान लव जिहाद, इसको धर्म नहीं कहते हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, ये धर्म नहीं है। उमर खालिद के लिए ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो खासकर क्योंकि वो मुसलमान लगता है। कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र है और कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र नहीं है। मीडिया के बिना ये सरकार नहीं चल सकते हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो ना कोर्ट होगा, ना संविधान होगा, ना बेल होगा, ना ट्रायल होगा। फांसीवाद का दिन है आजकल जो जिसे हम गुजर रहे हैं, उसमें सरकार से भी ज़्यादा दोष मीडिया का है। लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को उठना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिखा जनहित आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आपने उमर खालिद के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से उनको 1000 दिन उनके आज पूरे हुए हैं और उनको लगभग तीन साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको जेल में गए हुए। UAPA लगाकर उनको जेल में भेजा गया था, लेकिन उस पर आज बैठक हुई है प्रेस क्लब में, जिसमें रवीश कुमार तमाम लोग शरीक हुए हैं। और आज मेरे साथ हैं अरुंधति मैम, अरुंधति रॉय, आप सब जानते हैं इनकी किताब, इन्होंने ये लेखिका हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे कि मैम आप मतलब 1000 दिन हो चुके हैं, आप कैसे देख रही हैं इसको, क्या लोकतंत्र यही है, किस तरीके से इस लोकतंत्र को देख रही हैं? कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र है और कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र नहीं है। उमर खालिद के लिए ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो खासकर क्योंकि वो मुसलमान लगता है। उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सबको दिखा रहे हैं कि अगर आप स्टेट के खिलाफ बोलोगे और अगर आप मुसलमान हैं तो ना कोर्ट होगा, ना संविधान होगा, ना बेल होगा, ना ट्रायल होगा, और आप हज़ार दिन के लिए आपको रखा जा सकता है। बहुत अहम रोल मीडिया प्ले करती है मैम। मीडिया हमें क्या दिखाती है, हमें क्या समझाती है, तो हम लोग देखते हैं और हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं ये चीज़ें सच होंगी। लेकिन क्या आज मीडिया उस स्तर की है जैसा हम सोचते हैं मीडिया के बारे में? इस जो फांसीवाद का दिन है आजकल जो जिसे हम गुजर रहे हैं, उसमें सरकार से भी ज़्यादा दोष मीडिया का है। मीडिया ही सरकार है, मीडिया ही सरकार है। वो जो झूठ बोल रहे हैं और वो जो झूठ फैला रहे हैं, और आज पहले तो उनको डराते थे, डरा के काम करते थे, अब वो लोग सब निकल गए मीडिया से। अब जो बैठे हैं वो खुशी खुशी से करते हैं ये काम, खुशी खुशी से झूठ फैलाते हैं, खुशी खुशी से एक दूसरा इतिहास लिखवा देते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। तो मीडिया से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसमें कोई नहीं है। मीडिया के बिना ये सरकार नहीं चल सकते हैं, ऐसा वाला मीडिया के बिना। ये बहुत बड़ा सवाल और जवाब था मैम की तरफ से, लेकिन एक और सवाल मैम ये है कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि हमारा धर्म, धर्म के नारे लगा रहे हैं और धर्म को वो सब कुछ समझ रहे हैं, जैसे कि किसी ने कहा था कि धर्म वो अफीम है जिसे चटा दिया जाए तो फिर उसको और कुछ नहीं दिखता, लेकिन धर्म के नाम पर आजकल आप देखेंगी पढ़ाई लिखाई साइंस ये सारी चीज़ें छोड़ के, जैसे कि मोदी हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम इंडिया की बात कही थी, लेकिन आज विज्ञान छोड़ के सब लोग फिर से अंधविश्वास और फिर वो वैदिक काल में लोग जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज मीडिया में भी वही दिखाई दे रहा है, धर्म और हिंदू मुसलमान लव जिहाद। इसको धर्म नहीं कहते हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, ये धर्म नहीं है। सबको पता है, मोदी जी से लेके सबको पता है कि ये धर्म नहीं है। कब तक लड़ाई लड़नी होगी मैम? 1000 दिन तो आज पूरे हो गए, क्या लग रहा है ये लोग जीवंत लोकतंत्र जिसे कहते हैं सो कॉल्ड लोग, हिंदू बजरंग दल वाले सारे लोग कह रहे हैं लोकतंत्र है तभी हम बोल पा रहे हैं, तभी सब लोग बोल पा, आपके हिसाब से कौन ऐसा नेता होगा, कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो निष्पक्ष होगा? देखो, कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा छोड़ो, क्योंकि लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को उठना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके लिए फ़ायदा है ये कि नहीं है। जो पागल की तरह बोल रहे कि हम कुछ भी हो जाए हम इसी में रहेंगे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लोग कम है, मेजॉरिटी नहीं है। अब उठेंगे लोग और फिर वो चुनेंगे अपना प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर कोई बड़ी बात नहीं है जब लोग जाग जाएंगे।
हमारी मैम से बातचीत हुई, मैम ने बहुत ही शानदार जवाब दिया हमारे सवालों का। मैम ने कहा कि लोग जागेंगे, प्राइम मिनिस्टर बड़ी चीज़ नहीं होती, जो लोग जनता है यहाँ पे। और मैम ने उनके लिए भी कहा, हालांकि इन्होंने बोला नहीं उस अंधभक्त के बारे में, जो लोग कहते हैं आएंगे तो यही आएंगे, यही हमारा सब है, उनके लिए कहा कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, एक ना एक दिन ये नशा ज़रूर ख़त्म होगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी मैम के सवालों, हमारे सवाल और मैम के जवाब से? कितने सहमत है, कितने असहमत है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।